Welcome everyone. Let's start our today's discussion. I hope you all remember that previous class mein hamara motivation ka chapter chal raha tha. And humne last jo discussion kari thi, that was on McGregor, theory X and theory Y. Let's take a quick review ki humne last class mein kya padha tha. Aaj inshallah is chapter ko bina hum complete karenge. एंड देन फिर हमारे पास इस चैप्टर की एग्जाम किट रह जाएगी. ओके, एग्जाम किट में मैं नॉर्मली ये करता हूँ कि एक किट मैं क्लास में करा देता हूँ और एक किट मैं बच्चों को घर पे करने के लिए दे देता हूँ. तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स हमारा चैप्टर था. हमने सबसे पहले बेटा ये डिस्कशन करी कि वॉट इज मोटिवेशन. मोटिवेशन इज चेंज इन बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर में चेंज आना, बदलाव आना, दिस इज कॉल्ड एज मोटिवेशन. लोगों के बिहेवियर में कब चेंज आएगा बेटा, जब उनकी कोई नीड अफेक्ट होगी. याद करें इस पर बात हुई थी, नीड्स एंड गोल्स पर बात हुई, मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस. कि मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे लोगों की परफॉर्मेंस और कमिटमेंट लेवल जुड़ा हुआ है. याद करें मोटिवेशन की वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन है, बट हम ऑब्वियसली मोटिवेशन के इंपैक्ट को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते. व्हेन वी आर हैप्पी वी गिव गुड सर्विसेज, बट वी कैन नॉट मेजर द एलिमेंट ऑफ बेटरमेंट व्हिच वी आर गिविंग, कि भाई कितनी इंप्रूवमेंट है ये मेजर नहीं हो सकता. फिर हमारी डीमोटिवेशन, लो मोरल, डिससेटिस्फेक्शन पर बात हुई थी. देन हम यहां से बढ़े थे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, कि हम लोगों को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं. तो बेटा लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक है कंटेंट स्कूल. याद करें हमारी डिबेट हो चुकी है, कंटेंट स्कूल का क्या मानना है बेटा, कि अगर आप लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं तो गिव देम द राइट रिवॉर्ड, गिव देम द राइट कंटेंट. जब आप लोगों को सही रिवॉर्ड और सही कंटेंट देंगे तो वो मोटिवेटेड रहेंगे. गिव द पीपल द राइट कंटेंट, द राइट रिवॉर्ड एंड दे विल बी मोटिवेटेड. कंटेंट थ्योरी में हमारे पास एक राइटर थे अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स पर बात करी थी, और एक राइटर थे फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, जिन्होंने हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स के ऊपर बात करी थी. मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है कि आप तमाम बच्चे रेगुलरली बेटा बुक को रीड कर रहे हैं. ओके, अगर आप रेगुलर रीडिंग नहीं करेंगे तो इसका आपको बहुत परवेसिव लॉस होगा. याद रखिएगा, जो बच्चा रेगुलर रीडिंग नहीं करेगा एंड में तमाम चीजें पाइल अप हो जाएंगी. मोर देन 600 पेजेस की ये बुक है. आप एक डेढ़ पेज पढ़ते हो आपको नींद आ जाएगी, तो आप रोज के रोज पढ़ोगे तो आप बर्डन नहीं होगे एंड में. पहले क्लासेस के साथ रोजाना एक बार बुक पढ़ ली, फिर कोर्स के एंड में 2-3 बार रीडिंग करके, मॉक्स करके पेपर दोगे, इंशाल्लाह स्कोर 90+ आएगा. सही है भाई, वेरी सिंपल अप्रोच है F1 में अच्छे नंबर लेने की. मैस्लो पर बात हुई, हर्ट्जबर्ग पर बात हुई, फिर हमने बात करी थी बेटा विक्टर रूम. बेटा विक्टर रूम ने हमें मोटिवेशन के लिए प्रोसेस थ्योरी पर बात करी. विक्टर रूम का मानना ये था कि आउटकम की वैल्यू, जो रिवॉर्ड मिलेगा उसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लड़कों का बिलीफ हो कि वो जिस रास्ते पर जा रहे हैं उससे उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, जिसे हम इंस्ट्रूमेंटेलिटी बोलते हैं. और एक वर्ड क्या था, एक्सपेक्टेंसी. व्हाट इज एक्सपेक्टेंसी? ये बिलीफ होना, ये पॉजिटिव अप्रोच होना, ये होप होना कि यस वी विल बी एबल टू डू इट, इस पर बात हुई थी. फिर हमने कहा था कि बेटा एक इंप्लॉई को मोटिवेट करने का तरीका है कि उसे पे दो, तनख्वाह दे दो. एक इंप्लॉई को मोटिवेट करने का तरीका है कि उसे क्या दो बेटा, पे दीजिए, तनख्वाह अच्छी दीजिए. अच्छा, अब तनख्वाह में दो एलिमेंट होते हैं. एक होती है बेटा फिक्स्ड सैलरी. बेटा एक होती है फिक्स्ड सैलरी, जो इब्राहिम मैस्लो के मुताबिक उसकी सेफ्टी नीड को सेटिस्फाई करेगी, और एक होता है वेरिएबल इंसेंटिव, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, जो उसके लिए एक मोटिवेटर बनेगा, जो उसे आगे बढ़ने के लिए पुश करेगा. याद करें पे एज अ मोटिवेटर पर बात हुई थी, मैनेजमेंट स्टाइल एज अ मोटिवेटर. बेटा मैनेजमेंट का स्टाइल इटसेल्फ एक मोटिवेटर है.
याद करें, इस पर लास्ट क्लास में हमने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई पढ़ी थी। मिक ग्रेगर ने हमें यह बताया कि आप इंप्लॉई को सही स्टाइल में मैनेज करो, आप इंप्लॉई को सही तरीके से मैनेज करो, फिर आप देखो कि वो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड होगा। अब दो मैनेजमेंट स्टाइल्स बयान हुए, एक था थ्योरी एक्स और एक स्टाइल था बेटा थ्योरी वाई। अच्छा, थ्योरी एक्स क्या था बेटा, सोचे थ्योरी एक्स का स्टाइल क्या था। तो याद करें, हमने ये बात करी थी कि थ्योरी एक्स का स्टाइल ये था कि वर्कर्स नॉर्मली काम को डिसलाइक करते हैं। बेटा थ्योरी एक्स का मकसद ये था कि वर्कर्स आमतौर पर काम को डिसलाइक करते हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है, उनके पास कोई एम्बिशन नहीं है, आपको उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा और कैरेट एंड स्टिक स्टाइल में चलाना पड़ेगा। मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ थ्योरी एक्स इज वेरी गुड, सुनिएगा मेरी बात बेटा, मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ थ्योरी एक्स इज वेरी गुड व्हेन वी आर डीलिंग विद लो लेवल वर्कर्स, जब हम छोटे लेवल के वर्कर्स से डील कर रहे होते हैं। और दूसरा तरीका था थ्योरी वाई, जो मैच्योर लोगों के साथ था। थ्योरी वाई क्या है कि लोग काम को पसंद करते हैं, आप उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, आप उन्हें पार्टिसिपेशन दीजिए, आप उन्हें एम्बिशन दीजिए, आप उन्हें ऑब्जेक्टिव दीजिए एंड दे विल वर्क। मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ थ्योरी वाई, मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ थ्योरी वाई इज वेरी गुड व्हेन वी डील विद मैच्योर पीपल, जब हम मैच्योर पढ़े लिखे अच्छे लोगों के साथ डील करते हैं। तो देखें बेटा, एक इम्प्लॉई को सबसे पहली चीज जो मोटिवेट करती है उसकी तनख्वाह है, उसकी पे है। दूसरी चीज बेटा जो उसे मोटिवेट करती है वो मैनेज करने का स्टाइल है। क्या करने का स्टाइल है बेटा, वो मैनेज करने का स्टाइल है। द मैनेजमेंट स्टाइल इटसेल्फ एक्ट्स एज अ मोटिवेटर। नाउ बेटा, अब बात आगे बढ़ती है, अब आ जाते हैं रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स। बेटा ये भी एक एम्प्लॉई को मोटिवेट करते हैं। आप रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव को तनख्वाह में भी इंक्लूड कर सकते हो, पे में इंक्लूड कर सकते हो। बेटा अब यहां से आज की डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, मुझे आप तमाम लोगों की बेटा कंसंट्रेशन चाहिए होगी। बहुत इजी डिस्कशन है, गौर से सुनेंगे इंशाल्लाह बात समझ आएगी और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। नाउ बेटा, सबसे पहला सवाल यह है कि व्हाट इज रिवॉर्ड एंड व्हाट इज इंसेंटिव। रिवॉर्ड में और इंसेंटिव में क्या फर्क है बेटा? आम तौर पर ये दोनों लव्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं बेटा। इंसेंटिव असल में प्रॉमिस को कहते हैं, इंसेंटिव असल में क्या कहते हैं? प्रॉमिस को कहते हैं। और रिवॉर्ड किसे कहते हैं बेटा? रिवॉर्ड एक्चुअल गिविंग को कहते हैं बेटा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ये कहता हूं कि बेटा अगर आपने 90+ मार्क्स लिए तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। बेटा अगर मैं आपको यह कहता हूं कि अगर आपने 90+ मार्क्स लिए तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, बेटा अभी आपके 90+ आए नहीं है, अभी मैंने दिए भी नहीं है, अभी मैंने सिर्फ वादा किया है, प्रॉमिस किया है बेटा। इस प्रॉमिस करने को बोलते हैं इंसेंटिव। बोलो बेटा, इस प्रॉमिस करने को क्या बोलते हैं बेटा? इंसेंटिव। मैंने क्या वादा किया कि अगर आपके 90+ मार्क्स आए तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। बेटा इस प्रॉमिस करने को क्या बोलते हैं? इंसेंटिव। आपके 90+ नंबर आ गए और मैंने आपको 10,000 रुपए दे दिए। जब मैंने आपको दे दिए तो अब इसे बोला जाएगा रिवॉर्ड। रिवॉर्ड इज द एक्चुअल गिविंग, लिसन इट केयरफुली बेटा, रिवॉर्ड इज द एक्चुअल गिविंग, वेयर इज इंसेंटिव इज द प्रॉमिस, इट इज द प्रॉमिस फॉर अ फ्यूचर रिवॉर्ड।
इंसेंटिव एक वादा है कि मैं आपको फ्यूचर में रिवॉर्ड करूंगा। बेटा मैंने अपने इंप्लॉई को बोला कि अगर तुमने सेल 10% बढ़ा दी, बेटा मैंने अपने इंप्लॉई को बोला कि अगर तुमने सेल 10% बढ़ा दी तो मैं तुम्हें 1 सैलरी का बोनस दूंगा। बेटा अभी उसने सेल बढ़ाई नहीं है, अभी मैंने उसे बोनस दिया नहीं है, सिर्फ वादा हुआ है, प्रॉमिस। बेटा इस प्रॉमिस करने के अमल को क्या बोला जाएगा? बेटा इंसेंटिव बोला जाएगा। और जब वो एक्चुअल में सेल बढ़ा देगा, जब वो एक्चुअल में सेल बढ़ा देगा और मैं उसे बोनस दे दूंगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ रिवॉर्ड, दैट विल बी कॉल्ड एज अ रिवॉर्ड। ओके, जब वो एक्चुअल सेल बढ़ा देगा और जब मैं उसे हकीकतन पैसे दे दूंगा, तो हम बोलेंगे कि अब लड़के को रिवॉर्ड मिल गया है। तो देखिए, एक तो वर्ड हो गया रिवॉर्ड और एक वर्ड हो गया इंसेंटिव। अ रिवॉर्ड इज समथिंग गिवन टू एन इंडिविजुअल और टीम इन रिकग्निशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सक्सेस। बेटा रिवॉर्ड क्या है? बेटा रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड का मतलब यह हो गया कि हमने इन एक्चुअल किसी को कुछ दे दिया। और इंसेंटिव क्या है बेटा? इंसेंटिव इज द ऑफर, इंसेंटिव इज द प्रॉमिस, इंसेंटिव इज द ऑफर, इंसेंटिव इज द प्रॉमिस। बेटा रिवॉर्ड इज एक्चुअल गिविंग। ओके बेटा, रिवॉर्ड इज एक्चुअल गिविंग, सही है? अच्छा बेटा, अब एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया, सर फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये लफ्ज हम लोग अपने माजी में सुना हुआ है हमने। बेटा फ्रिंज बेनिफिट होता है नॉन कैश रिवॉर्ड्स। नॉन कैश रिवॉर्ड जैसे गाड़ी दे दी, घर दे दिया, फ्रिंज माने नॉन कैश। बेटा इंप्लॉइज को एक तो कैश रिवॉर्ड मिलते हैं, एक नॉन कैश रिवॉर्ड भी मिलते हैं। नॉन कैश रिवॉर्ड के भाई कंपनी ने आपको गाड़ी अलाउ कर दी, कंपनी ने आपको 100 लीटर पेट्रोल अलाउ कर दिया, कंपनी ने आपको घर दे दिया रहने के लिए, कंपनी ने आपको लैपटॉप दे दिया यूज करने के लिए, मोबाइल दे दिया, दैट इज फ्रिंज, नॉन कैश। सही है? तो रिवॉर्ड और इंसेंटिव अलग चीज है, फ्रिंज अलग चीज है, फ्रिंज नॉन कैश बेनिफिट को बोलते हैं। So reward is the actual giving. अच्छा, अब actual giving cash item की भी हो सकती है और non cash की भी हो सकती है। Incentive is the promise. अच्छा, अब जब हम लव्स reward बोलते हैं तो दुनिया में याद रखिएगा बेटा, दो तरह के rewards होते हैं। बेटा याद रखिएगा कि दुनिया में कितनी तरह के reward होते हैं? दो तरह के reward होते हैं। एक होते हैं intrinsic rewards और एक होते हैं बेटा एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। एक होते हैं इंट्रिंसिक रिवॉर्ड और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। बहुत आसान अल्फाज में समझाऊंगा, बुक ने इतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं दी है जिस तरह मैं समझाऊंगा। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड वो रिवॉर्ड है जो एक इंसान अपने आप को खुद देता है। फिर दोहराता हूं, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड वो रिवॉर्ड है बेटा जो एक इंसान अपने आप को खुद देता है, और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड वो रिवॉर्ड है जो हमें दूसरे देते हैं। बेटा दूसरे हमें सैलरी देते हैं, सैलरी एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। दूसरे हमें प्रमोशन देते हैं, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। दूसरे हमें फीडबैक देते हैं, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। तो सर फिर इंट्रिंसिक रिवॉर्ड क्या है? जो इंसान अपने आप को खुद देता है, द इंटरनल सेटिस्फेक्शन विच यू गेट फ्रॉम अ जॉब। बेटा दुनिया में, मैं बड़ी सिंपल बात बोलूं, दुनिया में दो तरह के टीचर हैं। एक टीचर हमारी तरह है बेटा, सॉरी टू से, एक टीचर हमारी तरह है जो ज्यादा एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं, मनी भाई के लिए काम करते हैं। बात तो बुरी है लेकिन सच्ची है, मैं भी उसमें शामिल हूं। बेटा एक तो टीचर वो हैं जो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड के लिए यानी पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन आपको पता है बेटा कुछ लोग, कुछ टीचर्स इंट्रिंसिक रिवॉर्ड के लिए पढ़ाते हैं, वो पैसों के लिए नहीं पढ़ाते, फ्री पढ़ाते हैं।
जो अफोर्ड नहीं कर सकता ऐसे ही पढ़ाते हैं। वो टीचर पैसों के लिए या दुनिया के लिए नहीं पढ़ा रहे, उन्हें पढ़ा कर एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। जब उनके पढ़ाए हुए बच्चे कामयाब होते हैं तो उन्हें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। बेटा देखो ना, चलो मैं अगर एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड के लिए पढ़ाता हूं, लेकिन बेटा याद रखना टीचिंग में एक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड भी है। जब मेरा बच्चा कोई बड़ी पोजीशन पर, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जब बड़ी बड़ी जॉब्स पर लगते हैं, तो दैट गिव्स अस एन इंटरनल सेटिस्फेक्शन। जब हम चार लोगों में बैठे होते हैं तो कोई बोलता है कि ये हमारे टीचर हैं, तो दैट गिव्स अस एन इंटरनल सेटिस्फेक्शन कि यार हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कितने आगे निकल गए। तो कुछ कामों में इंट्रिंसिक रिवॉर्ड सेटिस्फेक्शन भी है। बेटा डॉक्टर की जॉब, डॉक्टर बेटा जब डॉक्टर किसी की जान बचाता है तो डॉक्टर को एक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड भी तो मिलता है यार, उसने एक इंसान को बचाया है, एक सेटिस्फेक्शन भी तो उसे मिलती है। तो देखें रिवॉर्ड दो तरह के हैं, एक है इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, द इंटरनल सेटिस्फेक्शन, और एक है एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। व्हाट इज एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड? व्हाट वी गेट फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। The outside world gives us a salary. The outside world gives us a feedback. बेटा एक फौजी जो बॉर्डर पर खड़ा है अपनी जान दे रहा है। बेटा एक फौजी जो कहां खड़ा है? बॉर्डर पर खड़ा है बेटा, अपनी जान दे रहा है बेटा, वो फौजी इंट्रिंसिक रिवॉर्ड के लिए लड़ रहा है या एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड के लिए लड़ रहा है? जी भाई, बेटा एक फौजी जो बॉर्डर पर खड़ा होता है वो इंट्रिंसिक के लिए खड़ा होता है या एक्सट्रिंसिक के लिए खड़ा होता है? बेटा मैं आपको देता हूं महीने के 50,000, जाओ बॉर्डर पे खड़े हो, कभी भी गोली आकर लगेगी। तो बेटा बॉर्डर पर खड़े होने के लिए एक जज्बा चाहिए, अपने जैसे लोगों का काम नहीं है बेटा, बॉर्डर पर खड़े होने के लिए एक जज्बा चाहिए बेटा, वो मुल्क के लिए जान देने के लिए खड़े, यानी उनको एक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है भाई, एक जज्बा है कि यार हमें मुल्क के लिए लड़ना है, हमें शहादत, हम शहीद कहलाएंगे। So, बेटा कुछ जॉब्स इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, व्हाट इज इंट्रिंसिक? इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए करी जाती हैं। अच्छा देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब में खाली इंट्रिंसिक रिवॉर्ड होता है भाई, इंसान है, जरूरतें हैं, तो इंसान को एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड भी चाहिए, लेकिन देर इज इंट्रिंसिक रिवॉर्ड ऑल्सो। व्हाट इज इंट्रिंसिक रिवॉर्ड? द इंटरनल सेटिस्फेक्शन, द इंटरनल सेटिस्फेक्शन, द सेंस ऑफ अचीवमेंट विच वी गेट फ्रॉम अ जॉब, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। बेटा बहुत सारी जॉब्स में इंट्रिंसिक रिवॉर्ड ज्यादा होता है। अच्छा अब इधर एक गेम को समझना बेटा, अगर किसी जॉब में इंट्रिंसिक रिवॉर्ड ज्यादा होगा, मेरे अल्फाज को थोड़ा सा गौर से सुना है आप लोगों ने, सॉरी थोड़ा सा इश्यू आ गया था, रिज्यूम कर रहा हूं बेटा। देखें जिन जॉब्स में इंट्रिंसिक रिवॉर्ड ज्यादा होता है, बात को गौर से सुनिएगा, जिन जॉब्स में क्या ज्यादा होता है बेटा, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड ज्यादा होता है, वहां इंप्लॉइज कम एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड में भी काम कर लेंगे। देखो अगर मैं आपका इंट्रिंसिक रिवॉर्ड बढ़ा दू, सुनिएगा मेरी बात, अगर मैं आपका क्या बढ़ा दूं बेटा, अगर मैं आपका इंट्रिंसिक रिवॉर्ड बढ़ा दूं, अगर मैं आपका इंट्रिंसिक रिवॉर्ड बढ़ा दूं, तो आप अपना एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड कम कर लोगे, तो भी आप मोटिवेशन के साथ काम कर लेते हो बेटा। जैसे अब आप एक बात सोचो, जो फौजी बॉर्डर पर खड़ा है बेटा, जो फौजी बॉर्डर पर खड़ा है बेटा, क्या वो फौजी को उतने पैसे मिल रहे हैं कि जिसके अगेंस्ट वो अपनी जान दे दे? तो ऑब्वियसली नहीं, इतने पैसे नहीं मिल रहे बेटा। बेटा अगर उसकी तनख्वाह 40,000 रुपए महीना भी है, तो बेटा जान की कीमत 40,000 रुपए से बहुत ज्यादा है बेटा। बेटा ये ट्रेंड आर्मी के फौजी अगर किसी के बॉडी गार्ड लग जाए तो 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए मिलते, लेकिन बेटा अगर वो बॉर्डर पर खड़ा है तो उसको एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड कम मिल रहा है, लेकिन उसको जो चीज रोज मोटिवेट कर रही है वो उसका इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है। उसका क्या है बेटा? इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है। फिर इसी तरह बेटा वो लोग जो रिलीजन रिलेटेड जॉब्स करते हैं, जैसे मस्जिद का इमाम हो गया, चर्च का फादर हो गया,
मंदिर है तो उसका पंडित हो गया बेटा, वो लोग जो रिलीजन रिलेटेड काम कर रहे होते हैं तो उन्हें भी ज्यादा इंट्रिंसिक रिवॉर्ड मिल रहा होता है। अच्छा, इधर मैं एक छोटी सी करेक्शन कर दूं, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू इंटरनल सेटिस्फेक्शन। बेटा दुनिया मेरी रिस्पेक्ट करेगी, दुनिया मेरी बात मानेगी, ये एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक वो है जिसका ताल्लुक आपके अपने आप से है। इंट्रिंसिक वो है बेटा जिसका ताल्लुक आपके अपने आप से है। एक्सट्रिंसिक वो है जिसके लिए आप दुनिया पर डिपेंडेंट हो। द इनर सेटिस्फेक्शन, द इनर सेंस ऑफ अचीवमेंट, दैट इज द इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। जो एक इनर सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाती है, कि जो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन, जैसे बेटा कुछ लोग कुछ काम कम तनख्वाह पर भी कर रहे होते हैं लेकिन उनका मानना होता है कि यार ये काम करने से हमें एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें एक इंटरनल खुशी मिलती है, तो वो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड के लिए कर रहे हैं। अच्छा, फिर कुछ लोग एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं, द सैलरी, द फीडबैक, द प्रोमोशन, दैट इज एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक वो है जो मैं एक्सटर्नल वर्ल्ड दे रहा है, और इंट्रिंसिक वो है जो जो हम खुद अचीव कर रहे हैं। बेटा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, AQ खान, कितना बड़ा साइंटिस्ट बेटा, बेटा मिलियंस ऑफ डॉलर कमाता था, अपनी इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आया, पाकिस्तान को एटम बम बना के दिया। तो बेटा क्या पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें उतने पैसे दिए जितने वो आम जिंदगी में कमा पाते? बेटा गिव इट अ थॉट। बेटा अगर वो बंदा जिसने एटम बम किसी मुल्क को बनाकर दिया, वो कितना बड़ा साइंसदान होगा? अगर वो किसी कंपनी को सर्व करता और वो अपनी स्किल्स को बेचता तो कितना कमाता? क्या हमारी सरकार ने उन्हें उतने पैसे दिए? तो अगर कोई बोले कि क्या उन्होंने एटम बम एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड के लिए बना के दिया, नहीं बेटा, दैट वॉज इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। बेटा वो एक जज्बा होता है कि यार यार हमने मुल्क के लिए कुछ करना है। द सेटिस्फेक्शन, द सेंस ऑफ अचीवमेंट, दैट इज इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। बेटा याद रखिएगा, एक इंप्लॉई जो आपके पास जॉब करने आ रहा है, उसके साथ जो आप प्रॉमिसेस करते हो वो इंसेंटिव्स हैं, जो एक्चुअली वो हासिल करता है वो रिवॉर्ड है। अब रिवॉर्ड में एक इंट्रिंसिक है जो इंटरनल उसे मिल रहा है। बेटा रिवॉर्ड में एक इंट्रिंसिक है जो उसे क्या मिल रहा है, इंटरनल मिल रहा है, जो उसकी इंटरनल सेटिस्फेक्शन है। और एक क्या है बेटा, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड है जो कि दुनिया उसे दे रही है। सो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड आर रिलेटेड टू द जॉब इटसेल्फ। लव, एग्जांपल लव बीइंग अ नर्स, कुछ लोग नर्स, डॉक्टर, मेडिकल फील्ड में काम करते हैं क्योंकि उन्हें एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स आर आउटसाइड द जॉब रोल, एग्जाम्पल फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। सही बेटा, अगर रिस्पेक्ट आप इसलिए डिपेंडेंट हो कि दुनिया आपको रिस्पेक्ट देगी तो एक्सट्रिंसिक है, लेकिन रिस्पेक्ट की वजह से जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन आप हासिल करते हो वो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है। बेटा किसी ने मेरी तारीफ करी, वो तारीफ एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड है, लेकिन वो तारीफ सुनने के बाद मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिली, वो एक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड वो है जो हम खुद फील करते हैं, जिसके लिए हम दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं है। बेटा कोई मुझे फीडबैक ना भी दे, कोई मुझे फीडबैक ना भी दे, लेकिन अगर मैं अपने लेक्चर्स फ्री में यूट्यूब पर अपलोड करता हूं, मैं कहता हूं कि यार इससे दुनिया को फायदा हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन फैल रही है, कोई मुझे कोई तारीफ ना करे, द सेटिस्फेक्शन विच आई विल गेट इज द इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। बहुत आसान अल्फाज में मैं इसको समझा दूं तो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड वो रिवॉर्ड है जिसके लिए हम दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं है, ये हम खुद अचीव कर रहे हैं, ये हम खुद हासिल कर रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू आर ओन सेल्फ। और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड वो है जिसके लिए हम दुनिया पर डिपेंडेंट है, कि कोई हमें फीडबैक दे दे, कोई हमें सैलरी दे दे। ओके, नाउ बेटा मोटिवेशन कैन कम फ्रॉम द फॉलोइंग एरियाज। मोटिवेशन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के जरिए आ सकती है। बेटा मोटिवेशन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के जरिए आ सकती है। फाइनेंशियल रिवॉर्ड में आपने उसे गाड़ी वगैरह पैसे दे दिए,
फाइनेंशियल रिवॉर्ड हो सकता है, और मोटिवेशन जॉब सेटिस्फेक्शन यानी इंट्रिंसिक रिवॉर्ड की वजह से भी आ सकती है। ओके अब बेटा ये जो पांच चीजें इसने बयान करी हैं, ये इसने बहुत ब्रीफली लिखी हैं यहां, मैं इन पर आपके साथ थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। बेटा ये असल में जो पांच चीजें हैं, वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, ऑटोनॉमी, फीडबैक और टास्क सिग्निफिकेंस, ये असल में बोले जाते हैं क्वालिटीज, ये असल में बोले जाते हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड जॉब डिजाइन। बेटा एक अच्छी जॉब डिजाइन की ये पांच क्वालिटीज होती हैं। एक अच्छी जॉब, एक अच्छे जॉब स्ट्रक्चर की बेटा ये पांच क्वालिटीज होती हैं, क्वालिटीज ऑफ अ गुड जॉब डिजाइन। एक अच्छी जॉब वो होती है जिसमें वैरायटी हो। व्हाट इज वैरायटी बेटा? जिसमें मल्टीपल टास्क हो, जिसमें मल्टीपल टास्क हो, ताकि बोर्डम क्रिएट ना हो। ताकि क्या क्रिएट ना हो बेटा? बोर्डम क्रिएट ना हो। बेटा एक अच्छा जॉब डिजाइन क्या होता है? जिसमें मल्टीपल टास्क हो, वैरायटी हो, एक ही काम बार 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 करने के लिए ना हो। बेटा गिव इट अ थॉट, मैं आपको मिसाल के तौर पर मैं खाली F1 पढ़ाता हूं, मिसाल सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक एक ही कोर्स पढ़ाता रहा हूं, एक ही चैप्टर दिन में 6 बार पढ़ा रहा हूं, तो बेटा थोड़ी देर में मुझे बोर्डम हो जाएगा, मैं बोलूंगा यार ये कोई जिंदगी है? बेटा मेरी जॉब में वैरायटी है, मैं थोड़ा ये F1 जो आपका FBT का कोर्स है ये पढ़ाता हूं, फिर मैं टैक्स भी पढ़ाता हूं, फिर मैं ऑडिट भी पढ़ाता हूं, वैरायटी है, मजा आता है। एक दिन में एक तरह का लेक्चर एक बार देता हूं, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स देता हूं, दिस क्रिएट्स वैरायटी। बेटा बोर्डम माने बोरियत, बोर्डम को उर्दू में बोरियत बोलते हैं, बोझ बन जाना। जब तुम्हारी जॉब में वैरायटी होगी, व्हाट इज वैरायटी? जब तुम्हारी जॉब में मल्टीपल टास्क होंगे। बेटा जब तुम्हारी जॉब में क्या होंगे? मल्टीपल टास्क होंगे। बेटा जब तुम्हारी जॉब में क्या होंगे? मल्टीपल टास्क होंगे, तो ये तुम पर बोर्डम क्रिएट नहीं करेगा। एक अच्छी जॉब, एक अच्छी जॉब डिजाइन की क्या क्वालिटीज होती है? कि उसमें वैरायटी होती है, नंबर वन। नंबर टू, टास्क आइडेंटिटी या क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ व्हाट द जॉब इज, ये भी एक बहुत अहम मसला है। बेटा आप सोचो, मैंने आपको एक ऐसी जॉब पर रखा है जिसमें आपका रोल ही क्लियरली डिफाइंड नहीं है, आप छोटू हो, छोटू जा बेटा ये कर ले, जा अब ये कर ले, अब तुम्हारा ये काम है, रोज तुमसे नए नए काम करवाए जा रहे हैं। बेटा तुम डीमोटिवेट हो जाओगे। एक अच्छी जॉब में पांच क्वालिटीज होनी चाहिए। नंबर वन, एक तो उसमें वैरायटी हो। व्हाट इज वैरायटी? व्हाट इज वैरायटी? मल्टीपल काम हो। दूसरा, उसमें आइडेंटिटी हो कि आप क्या काम करने आए हो, क्लैरिटी हो, ये नहीं कि रोज मेरा काम बदल रहे, मुझे छोटू बना दिया है दुकान का, ये नहीं करो मेरे साथ। क्लैरिटी से बता दो कि सर आपका ये काम है, मैं वही काम के लिए जिम्मेदार होऊंगा। तीन काम, चार काम, पांच काम, वॉट एवर दे आर, क्लैरिटी से मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होनी चाहिए। अच्छा मैं आपको एक मसला बताता हूं बेटा, आपको पता है सेठिया इदारों में आमतौर पर लोग नाराज रहते हैं। सेठिया इदारे जो ओनर मैनेज्ड इदारे होते हैं, सेठिया इदारे, क्योंकि सेठिया इदारे में आपकी कोई टास्क आइडेंटिटी नहीं है। आज सेठ ने बोला एक काम करो तो एक काम पर लग गए, कल उसने कहा एक काम छोड़ो बी पर लग जाओ तो बी पर लग गए। टास्क आइडेंटिटी हो, क्लैरिटी हो, क्या मेरा क्या काम है, मैं इसके अलावा काम नहीं करूंगा।
बेशक मेरे 10 काम हो लेकिन क्लियर हो। तीसरा, अटोनमी या ओनरशिप, देयर शुड बी सम अथॉरिटी। बेटा जब काम दिया है तो अथॉरिटी भी दो, बिल्कुल मुझे माजूर करके काम ना दो कि हर चीज के लिए मुझे आपका अप्रूवल लेना है। बेटा बात बात पर अगर अप्रूवल लेना पड़ेगा तो ये भी डीमोटिवेशन है कि मेरी तो कोई सही नहीं है, मेरी कोई औकात ही नहीं है, मैं तो कोई फैसला ही नहीं कर सकता। एक अच्छा जॉब डिजाइन, बेटा एक अच्छा जॉब डिजाइन इटसेल्फ लोगों को मोटिवेट करता है। वैरायटी हो, मल्टीपल टास्क हो, टास्क आइडेंटिटी या क्लैरिटी हो, बेटा जॉब रोटेशन हो तो नई जॉब की भी क्लैरिटी मिले। बहुत देखिए बेटा, बहुत फ्रीक्वेंटली लोगों के काम चेंज ना करें, ये गलत है। लोगों को थोड़े दिन एक जगह टिकने दें फिर रोटेशन दें। भाई एक बंदा एक काम कर करके बोर हुआ तो फिर आपने रोटेशन दी, ऐसा नहीं कि रोज काम बदल दें। रोटेशन करें पीरियड के बाद, लेकिन उस वक्त क्लैरिटी दें कि भाई अब आपका ये काम है। अटोनमी अथॉरिटी दें, उसको कुछ डिसीशन मेकिंग भी दें। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, अब कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या है बेटा, उसको पॉजिटिव फीडबैक दें, जहां वो अच्छा काम करे उसकी तारीफ करें, और जहां वो गलती करे वहां उसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब क्या है, देखो बेटा जब वो गुड वर्क करे तो उसको तारीफ करें उसकी। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था कि फीडबैक इटसेल्फ इज अ वेरी बिग मोटिवेटर। जब अच्छा काम करे तारीफ करे, जब बुरा काम करे, कोई गलती कर जाए, जब मिस्टेक कर जाए तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बेटा, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है सैंडविच अप्रोच। देखिए बहुत अहम बातें हैं बेटा, मैं हमेशा आप लोगों को एक बात कहता हूं, F1 FBT का पेपर सिर्फ पास करने के लिए नहीं पढ़ना बेटा, ये तो लर्निंग है भाई, ये सीखो ताकि तुम अपने सबऑर्डिनेट से इस तरह डील करोगे फ्यूचर में। बेटा जब गलती करे तो सैंडविच अप्रोच, व्हाट इज सैंडविच अप्रोच, तारीफ, पहले तारीफ, बोला यार माशाल्लाह आपकी ये अच्छाइयां हैं। बेटा एक बंदे में 100 बुराई है, कोई 2-3 अच्छाई तो होगी, पहले वो 2-3 अच्छाई बयान करो, उसका हौसला बढ़ाओ, फिर बताओ कि यार तुम्हारे में ये कमजोरी है और इसको तुम इंप्रूव कर लो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बेटा बुराई भी एक तरीके से करी जाए, बेटा बुराई भी एक तरीके से करी जाए तो दैट विल क्रिएट अ गुड इंपैक्ट, दैट विल क्रिएट एन इंप्रूवमेंट, वरना तो आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो आप। सो द फर्स्ट थिंग इज वैरायटी दो, दूसरी चीज क्लैरिटी दो से काम पर, तीसरी चीज उसे अटोनमी अथॉरिटी दो थोड़ी सी, चौथी चीज फीडबैक, अच्छा काम करे तारीफ करनी है, अच्छा काम करे तारीफ करनी है, गलती करे तो बुराई नहीं करनी है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है, सैंडविच अप्रोच को इस्तेमाल करना है, बुराई एडवाइस अच्छाइयों के साथ रखकर खिलानी है, और पांचवी चीज टास्क सिग्निफिकेंस। व्हाट इज टास्क सिग्निफिकेंस बेटा, एम्प्लॉई शुड बी डूइंग अ जॉब व्हिच इज, एम्प्लॉई शुड बी डूइंग अ जॉब व्हिच हैज सिग्निफिकेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये बहुत अहम बात है बेटा, सिग्निफिकेंस ना होना तो भी उसकी सिग्निफिकेंस को हाईलाइट कर दो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। आपको पता है ये हम लोगों में बीमारी है, हम लोगों को कहते हैं तुम्हारी मेहनत की तो कोई वैल्यू नहीं, सब कुछ मैंने किया है। ये नहीं करो बेटा, उसके काम को अहमियत दो। बेटा एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा 4-5 साल का, ये बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक छोटा बच्चा हो ना 4-5 साल का, वो कोई छोटा मोटा काम करके भी आए
तो उसकी फौरन तारीफ करो और ये कहो कि बेटा आपने बहुत बड़ा काम किया, आपने बहुत अच्छा काम किया। उसके काम को सिग्निफिकेंस दो। जब उसको लगेगा कि हाँ यार इदारे के लिए मेरा काम सिग्निफिकेंट है, तो वो जान मारेगा, वो जिम्मेदारी लेकर काम करेगा। और जब आप उसे बोलोगे अबे तेरे काम से क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ तो हम है, तू तो ऐसी कचरा है, भाग यहां से, तो फिर वो अपने आप को कचरा ही समझेगा। फिर वो कभी जिम्मेदारी भी नहीं लेगा, क्योंकि फिर तो हमेशा ये सोचेगा कि मैं अच्छा काम करूं या बुरा काम करूं उससे इदारे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। Whatever I do, इससे इदारे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और जब मेरे कुछ भी करने से इदारे को फर्क ही नहीं पड़ा, तो फिर मैं अच्छा काम करूं बुरा काम करूं क्या फर्क पड़ता है। Give him some significance, importance दें। अच्छा देखिए बेटा, कुछ लोगों का काम तो है ही इंपॉर्टेंट, जैसे एरोप्लेन उड़ाते हुए पायलट, पायलट को तो पता है वो इंपॉर्टेंट आदमी है, उसको ये बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा जो बाकी लोग हैं उनको भी सिग्निफिकेंस का एहसास दिलाएं, जैसे एयर होस्टेस हैं, फ्लाइट अटेंडेंट हैं, जो सफाई वाला है उन्हें भी सिग्निफिकेंस का एहसास दिलाएं। बेटा देखें, जब हम, याद है वो मुन्ना भाई मूवी थी, मुन्ना भाई मूवी याद है बेटा? याद करें वो मूवी के अंदर वो क्या होता था, वो हमेशा कहता था कि जब हम हॉस्पिटल से निकलते हैं तो हम डॉक्टर की तो तारीफ करते हैं, हम डॉक्टर को फीडबैक भी देते हैं और उसकी सिग्निफिकेंस भी हाईलाइट करते हैं, बट व्हाट अबाउट द जेनिटोरियल वर्कर्स, जेनिटोरियल वर्कर्स जो छोटे सफाई वाले थे, हम उन्हें कभी भी सिग्निफिकेंस नहीं देते। बेटा अगर आप उन्हें सिग्निफिकेंस दे दो तो उन्हें कितना मोटिवेट करेगी, उन्हें यह एहसास दिलाना कि सर जितना इंपॉर्टेंट काम डॉक्टर का है उतना ही इंपॉर्टेंट काम आपका भी है। तो लोगों को सिग्निफिकेंस दें। बेटा ये पांच क्वालिटीज हैं एक अच्छी जॉब की, बेटा ये पांच क्वालिटीज हैं एक अच्छे जॉब डिजाइन की। अगर आपके जॉब के डिजाइन में, अगर आपकी जॉब में ये पांच क्वालिटीज होंगी, तो ये आपको जॉब खुद ब खुद मोटिवेट करेगी, चाहे आपकी तनख्वाह थोड़ी कम ही क्यों ना हो, चाहे आपकी सैलरी थोड़ी कम ही क्यों ना हो, आपकी जॉब आपको क्या करेगी बेटा, मोटिवेट करेगी। ओके बेटा, तो देखें जरा गौर से बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक इंप्लॉई को किस तरह से मोटिवेट करना है। तो एक इंप्लॉई को मोटिवेट करने के लिए हमने क्या देनी है बेटा, पे, पहले तो तनख्वाह अच्छी देनी है, सही है, तनख्वाह में फिक्स सैलरी भी रखनी है और परफॉर्मेंस रिलेटेड भी रखनी है। मैनेजमेंट का जो स्टाइल है बेटा, मैनेजमेंट का जो स्टाइल है वो अच्छा रखना है बेटा, उसको जॉब डिजाइन अच्छा देना है, उसको हमेशा क्या देना है, फीडबैक देना है। ये चीजें उसे हमेशा क्या करेंगी बेटा, मोटिवेट करेंगी। बेटा किसी भी इंप्लॉई को मोटिवेट करना है तो पहले तो पे उसे अच्छी देनी है, अपना मैनेजमेंट का स्टाइल अच्छा रखना है, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, उसको हमेशा फीडबैक दें, अच्छा काम करे पॉजिटिव फीडबैक, गलती करे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, सही जॉब डिजाइन सही दीजिए। बेटा जॉब डिजाइन के अंदर पांच चीजें मैंने आपको पढ़ाई, क्या है वो पांच चीजें बेटा, नंबर वन वैरायटी। व्हाट इज वैरायटी, एक काम ना दें, थोड़े तीन चार काम दें ताकि वो बोर ना हो जाए, बोरियत ना हो जाए, बोर्डम ना हो जाए, बोझ ना बन जाए। टास्क आइडेंटिटी या क्लैरिटी, उसे क्लैरिटी से बताएं कि बेटा आपके ये काम है, उसे थोड़ी सी अथॉरिटी पावर भी दे, फीडबैक और टास्क सिग्निफिकेंस, उसे काम वो दे जिसकी इंपॉर्टेंस हो, और अगर थोड़ा गैर अहम काम है तो भी उसको ऐसा एहसास दिलाया करें क्या नहीं तुम्हारा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो मोटिवेटेड हो। देखो ना बेटा, अगर मुझे ये लगता है कि मेरे काम की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मैं कुछ भी करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं कभी मेहनत ही नहीं करूंगा, मैं कहूंगा अभी गेम चेंजर तो हुआ है, मेरी क्या इंपॉर्टेंस है। ओके सो फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि रिवॉर्ड में और इंसेंटिव में क्या फर्क है। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड वो रिवॉर्ड है बेटा, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड वो रिवॉर्ड है जो इंसान अपने आप को खुद दे रहा है, और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड वो रिवॉर्ड है जो हमें
दुनिया वाले दूसरे दे रहे हैं। सही। अच्छा देखिए बेटा, एक बात याद रखिएगा कि आप हर इंप्लॉय को कोशिश करके बेहतर से बेहतर जॉब डिजाइन दें। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लो लेवल वर्कर्स होते हैं, जो हमारे थ्योरी एक्स वाले वर्कर्स हैं, उनको हम ये जॉब डिजाइन में से तमाम चीजें नहीं दे सकते। अच्छा, उनके लिए चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होती, लेकिन स्टिल आप उनमें भी कोशिश करें कि बेहतर जॉब डिजाइन दें, थोड़ा बहुत उन्हें भी ऑटोनॉमी सिग्निफिकेंस दें ताकि वो मोटिवेशन से काम करें। लेकिन बेटा ये पांच डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो इंसान को मोटिवेट करते हैं। मैनेजमेंट स्टाइल एक अलग एलिमेंट है, जॉब डिजाइन एक अलग एलिमेंट है। हाँ, लो लेवल वर्कर्स को जाहिर है हम बहुत अच्छा जॉब डिजाइन नहीं दे सकते, क्योंकि जाहिर है उनका इतना विजन और एम्बिशन ही नहीं होता, लेकिन स्टिल बेहतर जॉब डिजाइन रखेंगे तो ये उन्हें मोटिवेट करेगा। अब आ जाते हैं एक और चीज, पार्टिसिपेशन एज अ मोटिवेटर। देखिए बेटा, याद रखिएगा, इंप्लॉई के साथ पार्टिसिपेशन करवाना, उसे अपने साथ डिसीशन मेकिंग में इन्वॉल्व करना, यह भी एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है। बेटा मैं डिसीशंस ले लेकर आप पर इंपोज कर दूं, बेटा मैं डिसीशंस ले लेकर आप पर क्या कर दूं, इंपोज कर दूं, सो दिस इज नॉट गुड। आप इंप्लॉई की पार्टिसिपेशन रखिए, बेटा आप डिसीशन मेकिंग में उसे भी बिठाएं, बोले भाई तुम भी बैठो हमारे साथ। बेटा जब पार्टिसिपेशन होगी तो दैट विल क्रिएट मोटिवेशन। पार्टिसिपेशन क्यों मोटिवेशन क्रिएट करती है, क्योंकि जब पार्टिसिपेशन होगी तो वो लोग डिसीशंस को ओन करेंगे, वरना वो तो हमेशा यही बोल देंगे सर हमारी तो कोई सही नहीं थी, आपने बोला था, आपका फैसला था। उन्हें डिसीशन मेकिंग में बिठाएं, उन्हें डिसीशन मेकिंग में इन्वॉल्व करें। द पार्टिसिपेशन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग मोटिवेटर, सो दैट दे कैन गेट इन्वॉल्व इन द डिसीशंस, वो डिसीशंस में इन्वॉल्व हों, वो जिम्मेदारी लें चीजों की। सही है बेटा, तो पार्टिसिपेशन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग मोटिवेटर, बिकॉज देन दे विल ओन द डिसीजंस, दे विल टेक द ओनरशिप, दे विल से कि ओके अगर गलती हुई है तो हमारी वजह से हुई है, हम भी उस फैसले का हिस्सा थे। लेकिन अब आपको पता है एक मसला और, कुछ लोग पार्टिसिपेशन सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। वॉट इज दिखावे के लिए पार्टिसिपेशन? दिखावे की पार्टिसिपेशन क्या होती है? बस ऐसी बिठा लिया, बात बात मानी नहीं, ये नहीं। पार्टिसिपेशन वर्क्स एज अ मोटिवेटर इफ द फाइव सीज आर प्रेजेंट, पांच चीजें होनी चाहिए। नंबर वन, सर्टेनिटी, पार्टिसिपेशन शुड बी जेन्युइन। बेटा जब पार्टिसिपेशन करा रहे हो तो जेन्युइन, व्हाट इज जेन्युइन, फिर उनकी सुनना भी। अच्छा आपको पता है ये डीमोटिवेशन क्रिएट कर देता है, फिर अगर आपने लोगों से पार्टिसिपेशन कराई और उनकी बात नहीं सुनी तो फिर आपको पता है लोग और नाराज हो जाते हैं, यार जब हमारी सुननी नहीं थी तो फिर हमें बुलाया क्यों। पार्टिसिपेशन करना करवानी है तो जेन्युइन, व्हाट इज जेन्युइन, कि फिर उनकी सुननी है भाई, उनकी सुननी है, फिर जो वो कहें उन बातों के ऊपर वाकई में सोचना है, वोट करना है, डेमोक्रेसी की तरफ जाना है। कंसिस्टेंसी, बेटा ये ना करो कि जब हमारा दिल करेगा तब हम पार्टिसिपेशन कराएंगे वरना हम कटा देंगे, ये गलत। पार्टिसिपेशन होगी तो हर बार करो, फिर अपनी मर्जी से नहीं करो। एक तो जेन्युइन है, उनकी पार्टिसिपेशन को रिस्पेक्ट दो, उनकी बात को मानो। दूसरा, पार्टिसिपेशन का अमल कंसिस्टेंटली हो, हर बार होना चाहिए। ये एक्टिविटी करना कि आज हमारा दिल हो रहा था तो हमने आपकी बात मानी, कल हमारा दिल नहीं होगा तो हम आपसे पार्टिसिपेशन नहीं कराएंगे, दैट इज रॉन्ग। जब पार्टिसिपेशन होगी तो फिर हमेशा करवाओ। एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश पार्टिसिपेशन शुड बी मेड कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअस।
क्लैरिटी द पर्पस ऑफ पार्टिसिपेशन इज मेड क्लियर। अच्छा बेटा, पार्टिसिपेशन जब करवा रहे हो तो फिर उनको बिठाकर मीटिंग में पूरा इन्वॉल्व कराओ। ऐसा नहीं कि पूरी मीटिंग में बिठाए नहीं, बस फाइनल वोट लिया। क्लैरिटी हो, उनको पता हो कि वो किस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके पास रेलेवेंट डेटा हो। बेटा देखो ना, पार्टिसिपेशन तो वही काम की ना जब रेलेवेंट डेटा भी हो मेरे पास। अच्छा मुझे कुछ पता वता है नहीं, बोला आप भी आ जाए फैसले, तो मैं जाकर क्या करूंगा? मैं बोलूंगा ओके, जो आप लोग बोल रहे हो वही सही होगा। कैपेसिटी, द इंडिविजुअल हैज द एबिलिटी एंड इंफॉर्मेशन टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली। बेटा पार्टिसिपेशन उन लोगों से करानी है जो उस रोल के लिए कैपेबल भी हैं, जो उस रोल के लिए कैपेबल भी हैं। बेटा एक बात को समझिए, हर बंदे से पार्टिसिपेशन नहीं करवाई जा सकती ना। पार्टिसिपेशन फिर उनसे करवानी जिनके अंदर काबिलियत है, कैपेसिटी है। एंड द लास्ट थिंग इज कमिटमेंट, द मैनेजर बिलीव्स इन एंड जेन्युइनली सपोर्ट्स द पार्टिसिपेशन। अब कमिटमेंट इज मोर लाइक सर्टेनिटी, कि भाई मैनेजर खुद कमिटेड हो। अच्छा अब कमिटमेंट में एक पर्सपेक्टिव और भी होता है बेटा, पार्टिसिपेशन इज अ टू वे क्लैप, दो हाथ की ताली है। हम तो उन्हें पार्टिसिपेशन के लिए बुला रहे हैं लेकिन वो पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते। तो कमिटमेंट में मैनेजर का पार्ट कमिटमेंट भी इंपॉर्टेंट है और इक्वली इंप्लॉइज का कमिटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आपको पता है कुछ लोग पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते, आप उनको पार्टिसिपेशन के लिए बुलाओ तो वो ड्रामेबाजी करते हैं, बोला हाँ हाँ जो आपकी मर्जी है वो कर लो। फिर ऐसे लोगों के पार्टिसिपेशन में कोई मोटिवेशन नहीं है, वो खुद भी कमिटेड हो और मैनेजर भी कमिटेड हो। तो देखें मैं फिर दोहराता हूं, पार्टिसिपेशन इज अ मोटिवेटर। व्हाई पार्टिसिपेशन इज अ मोटिवेटर? बेटा जब लोग डिसीशन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो डिसीशंस को ओन करेंगे। बेटा जब लोग डिसीशन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो याद रखिएगा बेटा, वो डिसीशंस को क्या करेंगे? ओन करेंगे। वो कहेंगे कि हाँ ये हमारा फैसला है। अगर पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई ओनरशिप नहीं है। बेटा आपके अब्बा ने आपको बुलाया, बोला बेटा एसीसी करना है, फुल स्टॉप, खत्म, आपकी राय पूछी नहीं। तो अब अगर कल को आप फेल हो गए तो आप क्या बोलोगे? बोला देखा आपने बोला था इसी से करो, मैं तो कह रहा था मुझसे नहीं होगा। फौरन से आप पलटी मार जाओगे, बोला मैंने कब बोला था इसी से करने का। इसी के अगेंस्ट अगर पार्टिसिपेशन होती, वो आपकी भी राय लेते, आपके ओपिनियन को भी वैल्यू करते, आपको भी समझाते, तो उससे क्या होता बेटा? उससे होता यह कि ये डिसीशन फिर ओनरशिप वाला फैसला होता। फिर आप कल को ये ना बोलते कि मेरी तो पूछी नहीं गई, मेरी तो बात ही नहीं मानी गई, तो फिर मेरे मुझे क्या बोल रहे हो? तो पार्टिसिपेशन होगी तो ओनरशिप और कमिटमेंट होगा भाई। लेकिन पार्टिसिपेशन सिर्फ दिखावे की नहीं चाहिए, पार्टिसिपेशन करवाओ तो फिर जेन्युइन पार्टिसिपेशन करवाओ। दिखावे की पार्टिसिपेशन ना करवाओ। व्हाट इज जेन्युइन पार्टिसिपेशन? जेन्युइन पार्टिसिपेशन वो होती है जिसमें सर्टेनिटी हो कि अगर उनकी राय ली जाएगी तो उस पर अमल किया जाएगा। क्या हो? सर्टेनिटी हो। नंबर टू, कंसिस्टेंसी। व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कि अपनी मर्जी से ऑन एंड ऑफ पार्टिसिपेशन ना करवाएं, हमेशा हो गए। कंसिस्टेंसी, इट शुड बी रेगुलर। नंबर थर्ड, क्लैरिटी। जिन लोगों से पार्टिसिपेशन करवाई जा रही है, जिन्हें डिसीजन मेकिंग में बिठाया जा रहा है, उन्हें क्लैरिटी दी जाए कि व्हाट वी आर अबाउट टू डू। उन्हें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, मालूमात, क्लैरिटी, ऑब्जेक्टिव बयान किया जाए। कैपेसिटी, व्हाट इज कैपेसिटी? जो बंदा पार्टिसिपेशन के लिए बैठ रहा है खुद भी तो कैपेबल हो, उसमें भी काबिलियत हो, उसको रेलेवेंट चीजों का पता हो, रेलेवेंट रोल परफॉर्म करता हो। एंड द लास्ट थिंग इज कमिटमेंट। कमिटमेंट यहां मैनेजर का भी जरूरी है कि मैनेजर खुद भी पार्टिसिपेशन के लिए कमिटेड हो, और सबऑर्डिनेट्स का कमिटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
What do you mean by subordinates का commitment? कि वो participation में खाना पूरी के लिए ना बैठे, वो participation करें in its reality, वो खुद खुशी से involve हो। तो ये पांच चीजों को certainty, consistency, clarity, कैपेसिटी और कमिटमेंट, ये पांच चीजें अगर होंगी तो वो पार्टिसिपेशन जेन्युइन पार्टिसिपेशन होगी और वही एक मोटिवेटर बनेगी। तो देखिए बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि एक इंप्लॉई को किस तरह से मोटिवेट किया जाए। तो एक इंप्लॉई को पे के जरिए मोटिवेट किया जाता है, एक इंप्लॉई को मैनेजमेंट के स्टाइल थ्योरी एक्स थ्योरी वाई के जरिए मोटिवेट किया जाता है, एक इंप्लॉई को अच्छा जॉब डिजाइन देकर मोटिवेट किया जाता है, एक इंप्लॉई को फीडबैक देकर मोटिवेट किया जाता है, और सबसे बढ़कर एक इंप्लॉई को पार्टिसिपेशन देकर मोटिवेट किया जाता है। बेटा व्हाट इज पार्टिसिपेशन, कि उसे डिसीशन मेकिंग में इन्वॉल्व करवाया जाता है। फिर जब उसे डिसीशन मेकिंग में इन्वॉल्व करवाया जाता है तो फिर वो खुशी से पार्टिसिपेट करता है, वो ओनरशिप लेता है चीजों की, वो मोटिवेटेड रहता है रादर देन कि आप उस पर फैसले इंपोज कर रहे हो। लेकिन पार्टिसिपेशन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करनी है, पार्टिसिपेशन करवानी है तो पांच चीजों का ख्याल रखना है। कंसिस्टेंसी हमेशा करवानी है, सर्टेनिटी पार्टिसिपेशन करवाई है तो फिर उनकी सुननी है, क्लैरिटी उन्हें ऑब्जेक्टिव क्लियरली बताओ, कैपेसिटी रेलेवेंट लोग कैपेबल लोग बिठाओ, और कमिटमेंट मैनेजर भी कमिटेड हो कि हाँ मैंने पार्टिसिपेशन करवानी है, और सब ऑर्डिनेट्स भी कमिटेड हो। अगर कोई एक भी पार्टी से खाना पूरी एक ऑब्लिगेशन की तरह डील करेगी तो कभी भी वो पार्टिसिपेशन वैल्यूएबल नहीं होगी। क्लियर? अब बेटा हमारे कोर्स में आखिरी चीज आ जाती है, रिवॉर्ड्स के ऊपर डिस्कशन है। बेसिकली यहाँ पे के ऊपर बात हो रही है, बेसिकली यहाँ जो ये हमसे बात कर रहा है ये बात कर रहा है पे एज अ मोटिवेटर पर। कि एक एम्प्लॉई को पे के जरिए कैसे मोटिवेट किया जाएगा बेटा, जिसमें फिर किस किस तरह की पेस दी जाती हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे क्या होती है, इन तमाम चीजों पर अब डिबेट करेंगे। एंड नाउ दिस इज द लास्ट डिस्कशन जिस पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आखिरी चीज पर बात शुरू करते हैं कि बेटा पे तनख्वाह लोगों को किस तरह से मोटिवेट करती है और तनख्वाह कितनी तरह की हो सकती है। नाउ बेटा अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड जो एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर। देखिए बेटा एक बात में कोई दो राय नहीं है कि एक एम्प्लॉई जो हमारे पास काम करने आता है उसको उसकी तनख्वाह उसे उसकी पे मोटिवेट करती है, सही? हाँ कुछ अरसे के बाद वो पे एक हाइजीन फैक्टर बन जाती है क्योंकि वो एक रूटीन का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि वो किसका हिस्सा बन जाती है, एक रूटीन का हिस्सा बन जाती है तो वो हाइजीन फैक्टर हो जाती है। लेकिन लेकिन बेटा पे एक हद तक मोटिवेटिंग फैक्टर है, जब हमारा इंक्रीमेंट लगता है जब हमें बोनस मिलता है दैट मोटिवेट्स अस, और फिर पे हमारे लिए एक सेफ्टी नीड भी है क्योंकि हमें एक सिक्योरिटी ऑफ द इनकम भी मिलती है। देखिए अगर मैं ये बोलूं कि यार मैं पढ़ाता हूं मुझे पैसों की जरूरत ही नहीं है, मैं पैसों के लिए पढ़ाता ही नहीं हूं, तो नाउ दैट इज समथिंग विच इज रॉन्ग। पैसा मेरी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करता है, पैसा मेरी सेफ्टी नीड्स को पूरा करता है, पैसा इज अ मोटिवेटर, इट इज अ सेंट्रल फैक्टर। हाँ जब सैलरी एक अरसे तक फिक्स हो जाती है तो दैट बिकम्स एन हाइजीन फैक्टर, वो हमारे लिए एक हाइजीन बन जाती है क्योंकि फिर हमारे लिए वो एक नॉर्म कंटिन्यूस चीज हो जाती है। लेकिन जब हमारी तनख्वाह बढ़ती है तो हमें टेम्पररी तौर पर मोटिवेटर करती है,
अच्छा ये तो आप लोग जानते हैं कि अगर आप हाइजीन फैक्टर को हटा लोगे तो डीमोटिवेशन पैदा हो जाएगी। तो यकीनी तौर पर पे का एक बड़ा रोल है एम्प्लॉय की मोटिवेशन में। अगर मोटिवेशन में नहीं है तो उसे डीमोटिवेशन से अवॉइड करने में बहुत बड़ा रोल है। यार अगर मैं कह दूं कि मेरी तनख्वाह अगर फिक्स है और कांस्टेंट है और ये हाइजीन फैक्टर है, चलो मान लिया, हाइजीन फैक्टर मोटिवेट नहीं करता, लेकिन हाइजीन फैक्टर की गैर मौजूदगी डीमोटिवेट तो कर देती है ना। तो याद रखना, पे जब इंक्रीमेंट लगता है तो इट बिकम्स अ मोटिवेटर, जब वेरिएबल होती है तो इट बिकम्स अ मोटिवेटर, लेकिन पे एक हाइजीन फैक्टर है जिसकी गैर मौजूदगी हमें डीमोटिवेट जरूर करेगी। सो पे हैज अ सेंट्रल बट एम्बिगुअस रोल इन मोटिवेशन थ्योरी। इट इज नॉट मेंशनड एक्सप्लिसिटली इन एनी नीड लिस्ट बट इट ऑफर्स द सेटिस्फेक्शन ऑफ मेनी ऑफ द वेरियस नीड्स। बेटा पैसा बहुत सारी जरूरतों को हल कर देता है। देखो ना, इब्राहिम मैस्लो की जो नीड्स हैं उनमें मनी कहीं भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन मनी बहुत सारी नीड्स का सोल्यूशन है, ये आप जानते हो। फिजियोलॉजिकल नीड मनी से पूरी होती है, सेफ्टी नीड मनी से पूरी होती है। तो एस्टीम नीड पे से पूरी होती है भाई। अगर आप किसी इंप्लॉय की एस्टीम नीड, ईगो, ये सेटिस्फाई कराना चाहते हो तो यू हैव टू गिव हिम अ गुड पे। बेटा पे इट सेल्फ, मेरी बात को गौर से सुनना, पे इट सेल्फ हो सकता है कि किसी भी थ्योरी में नहीं लिखी हुई होती एज अ मोटिवेटर, बट पे बहुत सारी जरूरतों को, बहुत सारी नीड को पूरा कर देती है। पे का एक बहुत सेंट्रल रोल है इन मोटिवेशन ऑफ अ वर्कर। ओके बेटा, सो पे एज अ मोटिवेटर, कहा ये गया कि जो मोटिवेशन थ्योरीज हैं वो स्पेसिफिकली पे पर बात नहीं करती, लेकिन पे इंप्लॉय की बहुत सारी नीड्स को पूरा करता है। नाउ इंडिविजुअल्स में ऑल्सो हैव नीड्स अनरिलेटेड टू मनी विच मनी कैन नॉट सेटिस्फाई और विच द पे सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली डिनाइज। हाँ देखो, अब ये बात कह रहा है कि देखिए पे ही वाहिद जरूरत नहीं है, पे के अलावा और भी जरूरतें हैं, जैसे नीड फॉर लीजर, फैमिली टाइम, ये चीजें पे के अलावा हैं, ये भी इंप्लॉय के लिए मोटिवेशन है। वर्क लाइफ बैलेंस भी इंप्लॉय के लिए मोटिवेशन है, लेकिन पे का एक सेंट्रल रोल जरूर है। सो टू व्हाट एक्सटेंड द पे इज एन इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट माने मोटिवेशन टू बेटर परफॉर्मेंस, कैन पे बी एन अफेक्टिव मोटिवेटर? क्या पे वाकई में एक अफेक्टिव मोटिवेटर है या ये सिर्फ एक प्रॉमिस वाला रोल है? मैस्लो एंड हर्ट्जबर्ग बोथ रिकॉग्नाइज मनी एज अ मींस ऑफ सेटिस्फाइंग सम नीड्स एंड सिंबलाइजिंग वर्थ। हाउएवर पे डज नॉट सेटिस्फाई हायर ऑर्डर नीड्स एंड शुड दस बी कंसिडर्ड एज अ हाइजीन फैक्टर। अब यहां उसने ये बोला कि एक लेवल तक तो पैसा हमारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है, लेकिन उस एक लेवल के बाद शायद पैसा हमारे लिए बहुत अफेक्टिव मोटिवेटर नहीं रहता। जैसे आप ऐसे समझ लो, 4 लाख 5 लाख तनख्वाह के बाद शायद फिर आपको पैसे मोटिवेट नहीं कर रहे होते, फिर आपको स्टेटस, अचीवमेंट और सेंस ऑफ रिकग्निशन, ये चीजें मोटिवेट कर रही होती है। देखिए बेटा, वो यहां पर क्या बात कर रहा है इस पैराग्राफ में, वो बात कर रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ द रिवॉर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ द पे इन मोटिवेटिंग द वर्कर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ द रिवॉर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ द पे इन मोटिवेटिंग द वर्कर्स। बेटा रिवॉर्ड पे का मोटिवेशन में एक बहुत बड़ा रोल है। देखो मैं फिर दोहराता हूं कुछ चीजों को। बेटा हर इंसान के लिए जॉब अचीवमेंट, सेटिस्फेक्शन, रिकग्निशन, लर्निंग, इन चीजों की अहमियत है, मान लेता हूं, लेकिन ये कहना कि ये चीजों की इंपॉर्टेंस पे की इंपॉर्टेंस को खत्म कर देती है, ऐसा नहीं है। पे का मोटिवेटर वाला रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब इंक्रीमेंट या वेरिएबिलिटी होती है, और पे एक हाइजीन फैक्टर भी है जिसकी एब्सेंस, जिसकी गैर मौजूदगी हमें क्या कर देगी बेटा, डीमोटिवेट कर देगी। बेटा जिसकी गैर मौजूदगी हमें क्या कर देगी, डीमोटिवेट कर देगी।
तो पे का मोटिवेशन में हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा बेटा, पे का सैलरी का मोटिवेशन में हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। हाँ मैं ये बोलूं कि सिर्फ पे ही मोटिवेटर है, ये भी गलत हो जाएगा, बिकॉज देर आर थिंग्स अदर देन पे ऑल्सो जो हमें मोटिवेट करेंगी। देर आर थिंग्स अदर देन पे ऑल्सो जो हमें क्या करेंगी बेटा, मोटिवेट करेंगी। पे के अलावा अदर एलिमेंट्स भी हमें मोटिवेट करेंगे। पे इटसेल्फ किसी भी थ्योरी में नहीं लिखी हुई है, लेकिन पे इज अ मींस ऑफ सेटिस्फाइंग मेनी नीड्स, ये याद रखिएगा। ओके बेटा, अब एक इंप्लॉई को जो पे मिलती है वो डिफरेंट तरह की हो सकती है। देखिए बेटा याद रखिएगा, एक होती है बेसिक सैलरी, एक होती है आपकी बेसिक सैलरी, एक होती है ओवरटाइम पेमेंट, एक होती है आपकी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मुख्तलिफ तरह की पेमेंट्स मिलती हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन में ऑफर अ रेंज ऑफ रिवॉर्ड्स, बेसिक वेज और सैलरी जो हमारी बेसिक तनख्वाह होती है, ओवरटाइम पेमेंट, परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनसेस, कुछ एम्प्लॉइज को शेयर्स दे दिए जाते हैं, शेयर्स का माने ओनरशिप राइट दे दिया जाता है, शेयर ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप हमसे 2 साल बाद तक अगर आप हमारे पास रहे तो हम आपको डिस्काउंट पर शेयर्स दे देंगे, शेयर्स दे दिए जाते हैं, शेयर ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, बेनिफिट्स इन काइंड। अच्छा बेटा, बेनिफिट्स इन काइंड को असल में फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं, जिन्हें हम नॉन कैश बेनिफिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन कैश बेनिफिट, जैसे गाड़ी दे दी, फ्यूल दे दिया, व्हीकल दे दी, इस तरह के बेनिफिट्स दे दिए। सो डिफरेंट तरह की रिवॉर्ड दिए जाते हैं, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, आपके बुढ़ापे के फंड में पैसे डाल दिए। बेटा डायरेक्टर्स वगैरह को कंपनी के शेयर्स दे दिए जाते हैं कि भाई आपको, एक तो आपको तनख्वाह मिलेगी, प्लस अब आप कंपनी के ओनर भी बन जाओ, उन्हें 2% 3% शेयर दे दिए। बेटा जब उन्हें शेयर्स मिल जाएंगे तो आप सोचे ना बेटा, वो बहुत ज्यादा मोटिवेशन से काम करेंगे, फिर वो और ज्यादा खुशी से काम करेंगे, क्योंकि अब वो इदारे की मलकियत के भी हिस्से हो गए, शेयर भी दे दिए। कभी होता है फॉरन शेयर दे दिए, कभी होता है फ्यूचर एग्रीमेंट शेयर ऑप्शंस, कि आप 2 साल बाद हमसे फेवरेबल प्राइस में शेयर ले लेना। मेडिकल बेनिफिट दे दिया, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टर्मिनेशन पेमेंट्स का मतलब ये होता है कि जब आप जॉब छोड़कर जाओगे तो आपको एट द एंड ऑफ द जॉब आपको कुछ पैसे मिलेंगे लमसम, ताकि आप अपनी बाकी जिंदगी अच्छे से गुजार सको, जो प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी वगैरह मिलती है। बेटा जैसे गवर्नमेंट में जब इंप्लॉई रिटायर होता है तो उसे टर्मिनेशन के वक्त, जॉब खत्म होते वक्त कुछ पैसे दिए जाते हैं ताकि वो बाकी जिंदगी सुकून से गुजार सके, टर्मिनेशन पेमेंट्स वगैरह दे दी। ओके तो बेटा देखें, अगर आप इसे गौर से देखें तो एक इंप्लॉई को डिफरेंट तरह की पे एज अ मोटिवेटिंग रोल, एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर दी जाती है। यकीनी तौर पर पे का इंप्लॉई की मोटिवेशन में एक बहुत सेंट्रल और इंपॉर्टेंट रोल होता है। सही है भाई? बेटा पे में एक तो बेसिक वेज जो फिक्स तनख्वाह दे दी, ओवर टाइम पैसे दे दिए, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे बोनसेस दे दिए, शेयर्स दे दिए, ओनरशिप दे दी, कुछ शेयर्स दे देंगे तो मोटिवेट हो जाएंगे। शेयर ऑप्शंस क्या होते हैं? एक है कि फौरन हाजिर शेयर दे दिए, एक है कि हमने कहा कि ओके भाई शेयर हम आपको 2 साल बाद देंगे अगर आप 2 साल तक हमारे साथ काम करोगे, डिस्काउंट पर शेयर्स दे दिए, नॉन कैश बेनिफिट्स दे दिए, पेंशन फंड में पैसा डाल दिया, टर्मिनेशन पेमेंट्स दे देंगे, जब आप जॉब छोड़कर जाओगे तो उस वक्त कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल जाएगा। सही है बेटा? तो डिफरेंट तरह के रिवॉर्ड्स उसे दिए जाते हैं।
बेटा शेयर और शेयर ऑप्शन में क्या फर्क है? शेयर का मतलब होता है कि आपने उसे इमीडिएटली इदारे के शेयर्स दे दिए। जैसे आप समझो हमारे इदारे का कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तो हमने उसे कहा तुम्हें टीचिंग के पैसे तो देंगे, साथ साथ तुम्हें मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट के 2% शेयर्स दे देते हैं। ये हो गए शेयर्स। एक होते हैं शेयर ऑप्शन। हमने उसे कहा कि अगर आप 2 साल तक हमारे यहां इसी मेहनत से पढ़ाओगे तो हम आपको मिर्चा वाला के शेयर्स मार्केट प्राइस से आधे पर देंगे, 50% डिस्काउंट पर शेयर्स देंगे। तो जब शेयर ऑप्शन देते हैं तो बेटा फिर वो हमारे यहां 2 साल तक काम करने के लिए मोटिवेटेड रहेगा, क्योंकि उसे फ्यूचर की अट्रैक्शन दी गई कि अभी नहीं दे रहे, 2 साल बाद हम आपको शेयर्स दे देंगे। सही। तो बेटा देखें आज हमने बात कहां से शुरू करी, बेटा हम मोटिवेशन ऑफ एन एम्प्लॉई पर की पर बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको मैनेजमेंट स्टाइल तो पढ़ा दिया था, फिर आज बेटा मैंने आपके साथ रिवॉर्ड्स पर बात करी, जॉब डिजाइन के ऊपर बात हुई, पार्टिसिपेशन पर बात हुई, और हम बात कर रहे हैं पे एज अ मोटिवेटर पर। बेटा अब हमारे पास एक आखिरी चीज इस चैप्टर में रह गई है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। सही है बेटा, बस इतना हिस्सा ही हमारा रह गया और फिर हमारी एग्जाम किट की डिस्कशन है। बेटा इसे इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू करेंगे। सही है बेटा, चलिए, थैंक यू।